हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस बॉक्स विद सैबी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वी आर हियर इनसाइड द M2K कॉरपोरेट मॉल जो कि लोकेटेड है सेक्टर 51 में। और आज हम यहां पर आए हैं नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा और बिगेस्ट बुफे कवर करने के लिए, जहां पे आपको 100 प्लस डिशेस खाने के लिए मिल जाएगी, 25 प्लस लाइव काउंटर्स मिल जाएंगे। इसी के एग्जैक्ट सामने आपको इम्परफेक्टो करके भी एक रेस्टोरेंट दिख जाएगा। और ये एंटायर प्लेस जो है वो मॉल के अंदर है, सो मॉल की वाइब कुछ इस तरह की है। सो प्लेस का नाम है द बारबेक्यू टाइम्स। ये काफ़ी लग्जरी रेस्टोरेंट है गाइस। यहाँ पर इन्होंने लिखा था कि यहाँ पे अगर आपने किटी पार्टी होस्ट की तो आपको ड्रिंक्स कॉम्प्लीमेंट्री है। और इस प्लेस का नाम है द बारबेक्यू टाइम्स। Hello friends, welcome back to the happiness box with Sebi. Welcome back to my channel. So we are here with another vlog, जहाँ पर जो है हम कवर करने वाले हैं नॉर्थ इंडिया के सबसे फेमस एंड बिगेस्ट बुफे को। जी हाँ, हम है बारबेक्यू टाइम्स में, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 51 में। और यहाँ का खाना जो है वो देखने में जितना यमी है, आई होप खाने में भी उतना यमी होगा। तो ट्राई करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं और आपको दिखाते हैं कि एंटायर स्प्रेड ऑफ बुफे कैसा है। बट इसके पहले जो एम्बियंस है आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एम्बियंस है यहाँ पे। मुझे यहाँ का एम्बियंस काफी अच्छा लगा। और खाने की स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या वराइटीज है और कितना बढ़िया है यहाँ का बुफे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे है। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग गाइस। सो गाइस, एम्बियंस आप देख सकते हो काफ़ी लग्जरी लुक दे रहा है और एंटायर प्लेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखोगे कि एंटायर प्लेस काफ़ी बड़ा है, ह्यूज है और डिफरेंट तरह की सिटिंग अरेंजमेंट्स भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप एक लार्ज ग्रुप के साथ या फैमिली के साथ आ रहे हो तब भी आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी सोफ़ा सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे फॉर बिग फैमिली एंड ग्रुप एज वेल। एंटायर प्लेस की जो वाइब थी वो बहुत अमेजिंग थी। यहाँ से शुरू करते हैं, ये है कॉफ़ी एंड टी काउंटर, साथ ही में है ये है स्नैक्स काउंटर, जहाँ पे डिफरेंट तरह के स्नैक्स लगे हुए थे, जैसे कि राइस पेपर बॉल और ये आपको मशरूम टोस्ट दिख जाएगा, बर्गर्स दिख जाएंगे, मिनी हॉट डॉग्स दिख जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे था फलाफल रैप और ये था हैम चीज़ विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे कोल्ड कट्स में भी बहुत सारे आइटम्स रखे हुए थे, जैसे कि सैल्मन फिश के साथ में ये इन्होंने क्यूकम्बर रखा हुआ था। सो इस तरह की चीज़ें भी रखी हुई थी, जहाँ पे अगर आप प्रेफर करते हो तो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। अब आगे जाते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या था। नेक्स्ट आपकी और मेरी दोनों की ही फेवरेट थी पानी पूरी। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की पानी पूरी काफ़ी अच्छी होती है, सो पानी पूरी तो हम डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई करने ही वाले हैं। यहाँ पे था स्ट्रीट फूड, सो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट आइटम्स रखे हुए थे। यहाँ पे था पूरा चाट काउंटर, जहाँ पे मुझे पालक पत्ता चाट, दही भल्ला चाट, पापड़ी चाट और टिक्की चाट जैसे आइटम्स देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे था आमची मुंबई का वड़ा पाव, आप देख सकते हो वड़ा कितना मिनी है, और आमची मुंबई की पाव भाजी। इसी के साथ यहाँ पर आपको साउथ इंडियन काउंटर भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पे इन्होंने साउथ इंडियन काउंटर दिया हुआ था, जहाँ पे इन्होंने रखा था वड़ा, जी हाँ मेरा फेवरेट वड़ा सांभर, और यहाँ पे इन्होंने रखा था सांभर। साथ ही में यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए थे मसाला डोसा, मैसूर डोसा, डिफरेंट तरह के ऑप्शंस, इडली थी, फ्राइड इडली थी, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए थे। तो आप यहाँ पे जो है एक एक्सेलेंट साउथ इंडियन भी इंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या आइटम्स थे। सो आप देख ही सकते हो कि अभी जो है
एंटायर प्लेस अभी स्टार्ट ही हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आने स्टार्ट हो गए हैं। सो बेसिकली यहाँ पर दो स्लॉट होते हैं, एक होता है 12 से 2:30 बजे तक का और 2:30 PM से फिर 4:30 PM तक का। तो यहाँ पे दो स्लॉट के बीच में आप अपने स्लॉट बुक कर सकते हो और यहाँ का बुफे इंजॉय कर सकते हो। सो अभी मेन कोर्स लगना यहाँ पर बाकी है, यहाँ पे सिर्फ अभी एक डिश लगी हुई है, तो मैं आपको मेन कोर्स फिर से बताऊँगी क्या क्या यहाँ पर है। सो अभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे आइटम्स जो यहाँ पे रेडी हैं। यहाँ पर हम हैं ढाबे का तड़का और यहाँ पर जो है पापड़ सेके जा रहे हैं और यहाँ पर आपको साथ ही साथ यहाँ पे लच्छा पराठा की प्रिपरेशन भी हो रही है जो आपको दिखेगी। सो एंटायर प्लेस जो है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे लाइव स्टेशंस यहाँ पे आपको दिखेंगे, प्लस लाइव काउंटर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यहाँ पर जो है ये अचार की जो दो बॉटल्स थी, या कहूँगी बड़ी बॉटल्स थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वाइट एंड ब्लैक कलर का जो एस्थेटिक लुक दे रही थी मुझे अच्छी लगी और यहाँ पे जो अचार था वो भी आई थिंक खाने में काफ़ी टेस्टी था। सो यहाँ पर है प्रिपरेशन, आप लाइव काउंटर पे देख सकते हो। यहाँ की एक बहुत ही फेमस डिश है पाइनएप्पल की, जो हम ट्राई करने वाले हैं। सो यहाँ पे ये पाइनएप्पल रोस्ट होते हुए दिख रहे हैं, साथ ही साथ आपको ये तंदूरी चिकन रोस्ट होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। सो काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है ये। तो गाइस हम जैसे ही आगे गए, यहाँ पे था आइसक्रीम का काउंटर और यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की आइसक्रीम ट्राई करने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आगे आप जैसे जाओगे यहाँ पे आपको जलेबी का काउंटर भी दिखेगा, तो अभी गर्मा गर्म जलेबी यहाँ पे बनने वाली है और रबड़ी का काउंटर है ये। साथ ही इसके यहाँ पे है एंडलेस स्वीट्स जी हाँ, बहुत डिफरेंट तरह के स्वीट्स है यहाँ पे, पाइनएप्पल पेस्ट्री से लेके आपको ब्राउनी से लेके सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। सो काफ़ी सारी वैरायटीज थी यहाँ पे, मूंग दाल हलवा था, आपको फिरनी मिल जाएगी, पाइनएप्पल केक मिल जाएगा, ब्राउनी थी, व्हाट नॉट, बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पे एंड करूँ, इतने सारे डिज़र्ट थे यहाँ पे। सो गाइस जैसे ही हम और आगे गए, इसके बाद मुझे दिखा पूरा सैलड काउंटर जहाँ पे फ्रूट्स एंड सैलड रखे हुए थे। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के सैलड दिख जाएंगे, प्लस यू नो फ्रूट्स दिख जाएंगे। सो वाटरमेलन था, पपाया था और डिफरेंट तरह के फ्रूट्स यहाँ पे रखे हुए थे, प्लस यहाँ पे सीजर सैलड रखा हुआ था, किनो सैलड रखा हुआ था और यहाँ पे ये नूडल सैलड भी रखा हुआ था। और यहाँ पे था लाइव काउंटर, जी हाँ यहाँ पे था पिज़्ज़ा का और पास्ता का लाइव काउंटर, प्लस यहाँ पे मोमोज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, डिफरेंट तरह के मोमोज भी आपको यहाँ पे खाने के लिए मिलेगा। तो ये जो पूरा एंटायर काउंटर था, यहाँ पे वुड फायर पिज़्ज़ा मिल रहा था, आप अपने हिसाब से पिज़्ज़ा के टॉपिंग्स डिसाइड करके बता सकते थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे था स्वीट कॉर्न सूप, जो यहाँ पे मुझे ये स्वीट कॉर्न सूप बहुत टेस्टी लगा गाइस, मैंने ट्राई किया था एंड इट वाज रियली वेरी नाइस। और साथ में यहाँ पे था मनचाओ सूप। सो गाइस मैं आ गई हूँ अपने प्लेस पे और यहाँ पे आपको मिलने वाला है लाइव बारबेक्यू। सो इस तरह की सेटिंग है और मैंने लिया है वेजिटेरियन मील। सो इसमें आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, पनीर टिक्का,
सोया चाप, साथ ही साथ मशरूम टिक्का। अगर आप नॉन वेज लेते हो तो इसी तरह से आपको नॉन वेज के आइटम्स दिखेंगे। और ये था पाइनएप्पल, ये मुझे बहुत पसंद आई ये पर्टिकुलर डिश। ये आपको स्वीट एंड सार जैसा एक फ्लेवर देगी एंड इट्स रियली अमेजिंग गाइस, बहुत बढ़िया थी ये। सो गाइस, मैंने जितने भी जगह पे पाइनएप्पल खाया है, इस तरह की जो पाइनएप्पल की डिश है वो ट्राई की थी मैंने यहाँ पे गुड़गांव में, लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेस की जो ये डिश है, आई विल गिव अ 10 out of 10। सो आप जब भी इस रेस्टोरेंट में आ रहे हो, ये पाइनएप्पल की जो ये स्मोकी डिश है ये ट्राई किए बिना मत जाना, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। और आगे मेरी प्लेट में आपको दिख रहा होगा क्रिस्पी कॉर्न, ये रही काजू टिक्की और जो कि आलू की बनाई हुई होती है, और साथ ही साथ आपको दिख रहे होंगे हनी चिली पोटैटो। सो इन सब का हम रिव्यू करने वाले और देखने वाले फूड कैसा है यहाँ का। सो गाइस, आई एम ट्राइंग देयर दिस काजू टिक्की एंड आई एम इन लव विद इट। बहुत ही बढ़िया बनाई हुई है, एक्चुअली बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट आई एम ट्राइंग देयर दिस पाइनएप्पल, दिस इज काइंड ऑफ स्वीट एंड सार पाइनएप्पल, बट यहाँ पर अगर आप आओगे तो डेफिनेटली गो फॉर इट, आई रियली लव्ड इट। वो अच्छा टेस्ट दे रहा है और कहीं कहीं पे बारबेक्यू जहाँ पे होता है वहीं पे ही आपको इस तरह की चीजें खाने को मिलती है, तो आई रियली लव दिस। नेक्स्ट इज देयर क्रिस्पी कॉर्न, तो ये मैंने और भी बहुत बारबेक्यू बुफेस में खाया है, अगर आपने देखा होगा हमने और भी बहुत सारे बारबेक्यू बुफेस कवर किए जो आप मेरे लिंक पे जाके देख सकते हो। तो इस तरह के जो है कॉर्न्स हमने वहां पे खाए हैं एंड दिस वॉज ऑल्सो वेरी नाइस, बट उसके कंपेरिजन में दिस वॉज रियली नाइस। काफी क्रिस्पी है कॉर्न, हल्का सा नींबू डाला हुआ है ऊपर, बहुत सारे चिली फ्लेक्स आपको देखे हुए डालते हुए दिख जाएंगे, बहुत ज्यादा तीखा है बट सिमिलरली बहुत ज्यादा खट्टा भी फील दे रहा है, तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ओवरऑल अभी तक तो स्टार्टर मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों ही ऑप्शन है। वेज का प्राइस है अराउंड 1000 rupees, नॉन वेज का प्राइस है अराउंड 1200 के आसपास, 1100-1200 के आसपास। तो आप, मैं ट्राई कर रही हूँ वेज बुफे जो हनी चिली पोटैटो इज ऑल्सो वेरी नाइस। और मेरे सामने भी बहुत कुछ पड़ा है, पनीर टिक्का है, मशरूम टिक्का है, मलाई चाप है जो मैंने कभी यहाँ पे ट्राई नहीं करी है ऑनेस्टली, तो यहाँ पे हम इसे कुछ ट्राई करने वाले हैं। So guys, now I'm trying their mushroom tikka. यहाँ पे बहुत कुछ है प्लेट में खाने के लिए, तो अभी हम ट्राई करने वाले हैं मशरूम टिक्का एंड पनीर टिक्का। So let's begin. Hot guys, it's so hot. बिल्कुल एकदम तंदूर में से ऐसा आ रहा है, एकदम बारबेक्यू में से आ रहा है, तो बहुत ज्यादा गर्म है। मशरूम का काफी फ्लेवर तीखा सा है, काफी तीखा फ्लेवर है इसमें और बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है इसमें, बहुत ज्यादा तीखा है लेकिन अच्छा लग रहा है। तो पहली बार मुझे इतने टेंडर मशरूम मिले कि एक ही बार में टूट रहा है, और काफी साइज भी मशरूम का ज्यादा अच्छा लगा है, काफी जूसी है, काफी जूसी है। अगर मैं बात करूँ पनीर की तो पनीर एक ही बाइट में टूटा है गाइस, इट्स डैम गुड, इट्स डैम जूसी। और फ्लेवर तो बाहर से देखिए आपको पता ही पड़ रहा होगा कि दिखने में तो काफी क्रंची और काफी तीखा भी लग रहा है। लेट्स मी ट्राई। गाइस, मुंह में डालते ही भूल गया इनका पनीर। देयर ऑल ऑफ योर डिशेस आर रियली वर्थ ट्राइंग इट, आई रियली एंजॉयड ओवर हियर। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ का आप स्टार्टर्स ही खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा एंड इट्स दैट यम एंड इट्स दैट गुड, द क्वांटिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस। अभी हमने बहुत कुछ ट्राई नहीं किया है तो लेट मी फिनिश दिस और मैं एक करके ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि किसे है चीजें यहाँ की। सो डू वॉच द व्लॉग टिल एंड गाइस। चाप मैंने कभी भी यहाँ पे आके नॉर्थ इंडिया में जो है चाप ट्राई नहीं किया, इट्स माय फर्स्ट टाइम, तो लेट मी सी कि कैसा टेस्ट करता है। काफ़ी अच्छी होती है यार चाप, मैंने खाई नहीं है बट मुझे अच्छी लग रही है, तो आप ट्राई कर सकते हो। काइंड ऑफ यू नो थोड़ा सा है ना मलाई जैसा फ्लेवर आ रहा है, जैसा कि बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, बट इज़ अ वेरी गुड मिक्स
of you know same kind of बहुत ज़्यादा से चीज़ डाला हुआ हो या कुछ इस तरह से कुछ फ्लेवर आ रहा है मुझे दिस इज़ द ओनली डिश विच इज़ नॉट वेरी स्पाइसी तो काफ़ी स्पाइसी नहीं है ये एकदम मलाई चाप जैसे होती है वैसा फ्लेवर आ रहा है बट नाम अफगानी चाप है बट ओवरऑल मुझे अच्छा लग रहा है अगर आपको ज़्यादा तीखा वैसे नहीं है देन गिव इट अ ट्राई फॉर दिस सो गाइज मैंने नॉर्थ इंडिया की चाट के बारे में काफ़ी सुना है सो यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं गोल गप्पास विच इज़ ऑल्सो नोन बाय पानीपुरी इन मुंबई सो यहाँ पे उन्होंने मुझे दो डिफरेंट तरह की पानीपुरी ऑफर की थी एक यहाँ पे आप देख सकते हो आटे की है ये जो मैं ट्राई कर रही हूँ ये आटे की है नहीं नहीं ये रवे की है सॉरी और आटे की एक गोलगप्पा होती है जो एग्जैक्टली हमारे मुंबई गोलगप्पा जैसी होती है सो यहाँ पे आलू की फिलिंग थी और दो तरह के डिफरेंट पानी थे मीठा और तीखा सो मुझे प्रेफरेबली आटे का गोलगप्पा काफ़ी पसंद है क्रंची होता है काफ़ी और सूजी का काफ़ी थिक लगता है यहाँ पे और भी आइटम्स थे जैसे कि आलू टिक्की चाट दही वड़ा और यहाँ पे मैं दही वड़ा ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे इस बुफे के साथ आपको कराओके म्यूज़िक दिख जाएगा यहाँ पे लाइव म्यूज़िक होता है प्लस इस बुफे के साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी है या तो आप ग्लास ऑफ बियर मंगा सकते हो एक वोडका की भी ड्रिंक है यहाँ पे और मॉकटेल्स कॉकटेल्स भी है सो इनके मेन्यू में से कोई स्पेसिफिक एक ड्रिंक जो है वो फ्री है आपके लिए अब रिव्यू करते हैं दूसरे आइटम्स जो मैंने यहाँ पे ट्राई किया वो था दही वड़ा जिसे यहाँ पे कहते हैं दही भल्ले और लिटरली गाइस इनका जो दही भल्ला था इट वॉज सो सॉफ्ट सो यमी टेस्ट लाइक वाव बिल्कुल अमेजिंग था गाइस अभी तक के लिए मैं इसे कहूँगी कि 10 out of 10 बहुत ही बढ़िया ये दही भल्ला था और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ आइटम जैसे यहाँ पे मिनी हॉट डॉग था ये टोस्ट मशरूम आप देख सकते हो प्लस राइस पेपर बॉल और साथ ही साथ मिनी बर्गर था जो मैंने ट्राई किया सो बर्गर वाज ओके ओके इट वाज नॉट दैट गुड बट इट वाज नॉट दैट बैड आई रियली लाइक मिनी हॉट डॉग जिनका मिनी हॉट डॉग था वो बहुत ही बढ़िया था इसके अंदर इन्होंने फ्रेंच फ्राइज डाला हुआ था हॉट डॉग के अंदर और पता नहीं क्या था बट काफ़ी अच्छा फ्लेवर दे रहा था साथ ही साथ यहाँ पे एक और डिश थी आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट डिश बट उसमें कुछ मुनाको बिस्किट के ऊपर उन्होंने चीज़ रख कर कुछ रखा हुआ था बट दैट वॉज नॉट दैट ग्रेट सो इनके ओवरऑल फ्रेश कट्स में से मुझे जो पसंद आया वो था मिनी हॉट डॉग सो गाइस ये है इनका कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मेन्यू विथ योर लंच सो इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो अलॉन्ग विथ योर बुफे अब आ जाते हैं इनके मेन कोर्स पे सो मेन कोर्स पे था शाही पनीर जो कि नॉर्थ इंडिया में होना ही है यहाँ पे था बारबेक्यू चिकन और ये चिकन बहुत ही ज़्यादा मिट्टी की हांडी में रखा हुआ था विच वॉज लुकिंग रियली टेम्पटिंग गाइस जिनको भी चिकन पसंद है आई एम श्योर दे आर गोइंग टू बी लाइक इट दम बिरयानी ये फैंसी पॉट में रखी हुई थी एंड वॉज लुकिंग रियली नाइस और आई होप खाने में भी अच्छी होगी और साथ ही साथ यहाँ पे रखा हुआ था पापड़ और इन पापड़ों में से मेरे फेवरेट थे ये साबूदाना पापड़ बिकॉज आई रियली लव साबूदाना पापड़ और बहुत ही कम बुफेज में जो है साबूदाना पापड़ होते हैं साथ ही में रखा हुआ था पिकल अनियन और अब ये आ गया चाइनीज सेक्शन जिसमें सबसे मेरा फेवरेट था नूडल्स सो यहाँ पे था चिली गार्लिक नूडल्स अलॉन्ग विद ग्रेवी साथ ही साथ यहाँ पे था वेज फ्राइड राइस सो यहाँ पे चाइनीज आइटम अच्छे रखे हुए थे और दिखने में और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे गाइस इसके बाद यहाँ पे थी राजस्थानी कड़ी अलॉन्ग विद दिस चना सब्जी सो यहाँ पे ये डिश भी मुझे बहुत अच्छी लगी विच इज़ कॉल्ड पिंडी चना मसाला यहाँ पे फिर था पालक कोफ्ता अलॉन्ग विद मिक्स वेज सब्जी सो ये सारी डिशेस काफ़ी सारी यहाँ पे ऑप्शंस थे पनीर लबाबदार था
सो काफ़ी सारे आप देख सकते हो मेन कोर्स में वेज और नॉन वेज के ऑप्शंस काफ़ी दिए गए थे। साथ में था यहाँ पे मटर राइस जो मुझे बहुत पसंद आता है। और नॉर्थ इंडिया आए हैं तो हाउ कैन यू मिस दाल मखनी। ये फैंसी से पॉट में इन्होंने दाल मखनी रखी हुई थी विच वॉज पाइपिंग हॉट एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। यहाँ पे मैंने ट्राई किया पाव भाजी और यहाँ पे मैंने लिया आमची मुंबई का वड़ा पाव बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि नॉर्थ इंडिया में वड़ा पाव बनता कैसा है। इतना मैंने वड़ा पाव सुना है यहाँ पे, सो आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस आउट बट आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज वड़ा पाव वॉज नॉट दैट ग्रेट गाइज। आई रियली डिडंट लाइक इट मच बिकॉज जो पाव था, जिस तरह से अगर आपने मुंबई में या महाराष्ट्र में अगर वड़ा पाव खाया है तो जो पाव होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है एंड आई कैन सी इट्स क्वाइट हार्ड। वड़ा वॉज गुड बट आई रियली लाइक कि पाव जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए काफ़ी, तभी वड़ा पाव खाने का मन करता है। एंड पाव भाजी वॉज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट। ओके सो आई विल नॉट गिव अ गुड मार्क्स ओवर हियर। साथ ही में मैंने ट्राई किया यहाँ पे पास्ता। यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा काउंटर दिख जाएगा तो यहाँ पे आप चॉइस ऑफ टॉपिंग्स के साथ में आप पिज़्ज़ा ट्राई कर सकते हो। सो आई एम ट्राइंग हियर डिमसिम। सो ये वेज डिमसिम है और नॉर्थ इंडिया के डिमसिम मोस्टली या मोमोज कहो अच्छे होते हैं, सो आई एम गोना ट्राई दिस आउट। और साथ ही में मैंने लिया है ये पिंक सॉस पास्ता। सो पास्ता वॉज रियली ग्रेट, टेंडर था काफ़ी, जो फ्लेवर था पास्ता का वो इट वॉज रियली क्रीमी एंड नाइस। जो यहाँ के डिमसिम थे गाइस दैट वॉज अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया फीलिंग थी एंड बहुत अमेजिंग डिमसिम्स थे। सो मैंने पिज़्ज़ा यहाँ पे ट्राई नहीं किया है बट इट लुक्स वेरी यमी एंड टेम्प्टिंग। और यहाँ पे आपको वुड फायर पिज़्ज़ा मिलेगा तो आई एम श्योर कि टेस्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है, सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई ओवर इट। सो गाइस मेन कोर्स के लिए मैंने लिया है नॉर्थ इंडिया की फेवरेट दाल मखनी एंड राइस अलॉन्ग विथ सम साबुदाना पापड़म एंड मेरा फेवरेट नींबू का अचार एंड नूडल्स। साथ ही साथ मैंने लिया है यहाँ पे रबड़ी जलेबी एंड सम स्वीट्स। सो ट्राई करके बताते हैं आपको कि कैसा है। अगर मैं खाने की बात करूँ, दाल मखनी एंड राइस वॉज डैम गुड। तो वो मेन कोर्स के लिए मैंने लिया है नूडल्स और नॉर्थ आए तो दाल मखनी तो लेनी बनती है, तो दाल मखनी लिया है और लिया है मेरे फेवरेट पापड़म जो है साबुदाने के पापड़म। तो ट्राई करते हैं यार खाना कैसा है। नॉर्थ इंडिया के दाल मखनी तो बहुत ज्यादा फेमस है फॉर श्योर, तो यहाँ पर अगर आप आए हो तो दाल मखनी और राइस तो आप डेफिनेटली ट्राई करना। दस दाल मखनी इज यम विद दिस पापड़म एंड प्रॉपर एकदम बिल्कुल कहते हैं ना एकदम बढ़िया फ्लेवर आ रहा है इसमें से। दाल मखनी में से काफी सारा क्रीमी दाल मखनी है और राइस भी काफी खिले है एंड पापड़म इज वेरी क्रंची फॉर श्योर। सो ओवरऑल मुझे यहाँ का खाना काफी पसंद आया गाइस। सो ओवरऑल यहाँ का एंटायर बुफे जो था इट वॉज डैम गुड। साथ ही साथ इन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी यहाँ पे अवे थी, तो मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी ली, तो आप अपने मेन्यू में सिलेक्ट कर सकते हैं क्या ड्रिंक आपको चाहिए है। Overall, the buffet was really fantastic. Give it a try. First of Asia's number one buffet है और बहुत varieties है। So guys, अब बारी आ जाती है dessert की and here in front of me is jalebi with rabdi. So गर्मा गर्म jalebi के साथ ये ठंडी ठंडी rabdi खाने का मजा ही कुछ और होता है। और plus यहाँ की जो jalebi plus rabdi थी, trust me guys, it's heaven. इट्स हेवन। आप स्माइल से ही देख सकते हो मेरी कि कितनी अच्छी होगी। इट वॉज डैम डिलीशियस। और साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस थे जो मैंने ट्राई किए, तो केक वॉज रियली गुड। बट मुझे जो ये रबड़ी और जलेबी थी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। सो बेसिकली गाइज इनकी पाइनएप्पल पेस्ट्री है और ये जो ब्राउनी पेस्ट्री थी प्लस दूसरे भी डिशेज जो थे डेजर्ट के, इट वॉज नाइस। कुछ कुछ डिशेज थोड़े से मुझे डिफ़िकल्ट लगे, जैसे कि ये पर्टिकुलर पेस्ट्री टूटी नहीं रही थी मेरे से। सो कुछ को छोड़ के ओवरऑल द डेजर्ट काउंटर वॉज वेरी नाइस एंड हैज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी एंड नाइस टेस्ट। इसके बाद में जो है
आप यहाँ पे एक बढ़िया सी कॉफ़ी या चाय भी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे एंटायर कॉफ़ी एंड चाय काउंटर है। सो खाना खाने के बाद में, इतना सारा लंच करने के बाद में, अगर आप थोड़े से टायर्ड फील कर रहे हो इतना खा खा कर, सो यहाँ पे मैं बहुत थक गई थी। सो आई रियली वांट टू हैव अ रियली गुड कॉफ़ी। सो यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। यहाँ से आप लंच के बाद में अपनी फेवरेट कॉफ़ी या टी इंजॉय कर सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो। एंड आई रियली लव्ड इट। आई होप अब तक आपको जो है एंटायर ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, डू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इट। सो गाइज, ये था मेरा बिल, 1000 rupees, 1029, दैट मीन्स इट वॉज रियली वर्थ। So guys, we are all done with the buffet. All dishes were very nice. और ये barbecue times का buffet जो है, it was very nice. I really enjoyed it. जो जिन्होंने मुझे अटेंड किया उनका नाम था मिस्टर रंजन, एंड उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे अटेंड किया। प्लस यहाँ का जो स्टाफ है वो भी काफ़ी फ्रेंडली है और काफ़ी अच्छा स्टाफ है यहाँ का। तो ओवरऑल यहाँ पे दो बैचेस होते हैं। एक तो आपको सुबह आना है 12 से 2 या 2:30 बजे के आसपास एक बैच होता है, दूसरा बैच जो है वो 2:30 से 4:30 का होता है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट तरह के बैचेस होते हैं जहाँ पे आके आप अपना खाना जो है यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। सो ओवरऑल द एक्सपीरियंस विद दिस बुफे वाज फैंटास्टिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ऐसे ही मेरे और भी बुफे देखने हैं जो मैंने कैप्चर किए हैं मुंबई में और ऑल ओवर इंडिया में, तो ऊपर लिंक दी गई है। ग्लोबल फ्यूजन का बुफे इज सिमिलर समथिंग लाइक दिस, एंड डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दैट बुफे। इट वॉज अमेजिंग स्प्रेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। अरे कहाँ चले सब्सक्राइब करना मत भूल देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।